यस तो अपन ने अपनी लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यानी त्रिकोणमितीय समीकरण को हमने डिस्कस किया था। डिस्कस करने के बाद उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यानी जो त्रिकोणमितीय समीकरण थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसका जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था और उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हमने वहाँ पे जो मेन दो ऑब्जेक्ट टॉपिक थे हमारे पास, एक था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसको हमने त्रिकोणमितीय समीकरण कहा आपने, ये सब हम रिकॉल कर रहे हैं पीछे वाला। तो जिसमें आपने एक प्रिंसिपल वैल्यू, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल यानी उसका मुख्य मान हमने फाइंड किया था। उसके बाद हमने उसके बारे में देखा था कि जनरल सॉल्यूशन क्या है, उसका जनरल सॉल्यूशन यानी उसका व्यापक मान। तो उसका मुख्य मान और व्यापक मान हमें डिस्कस करना था, जिसको हमने प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन के से डिस्कस किया है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने केसेस देखे थे कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो उस केस में हमारे पास उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो था हमारे पास एक्स इक्वल टू एन पाई, ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद अगर कोस एक्स इक्वल टू अगर आपके पास जीरो है तो उसका भी जनरल सॉल्यूशन हमने लिखा था कि टू एन प्लस वन पाई बाई टू था हमारे पास। इसी तरीके से अगर टेन एक्स इक्वल टू जीरो है तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो एक्स इक्वल टू एन पाई, अगेन एन पाई था। इसके बाद कुछ स्पेशल केस हमने डिस्कस किए थे कि अगर सपोज दैट इसके बाद क्या हो सकता है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन या त्रिकोणमितीय समीकरण में जो नेक्स्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, अगर ऐसा केस हो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई इस टाइप की अगर हमारे पास इक्वेशन हो तो उस केस में उसका जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, वो आया था एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू पावर एन एंड वाई, ये हमने उसका जनरल सॉल्यूशन लिखा था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हमने अपने लास्ट क्लास में इसको प्रूव किया था, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई और टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई अगर होगा तो उस केस में उसका जनरल सॉल्यूशन यानी उसका व्यापक मान क्या होगा। तो यहाँ पे उसका जनरल सॉल्यूशन डिस्कस हम करने वाले हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू अगर साइन वाई है तो सपोज दैट साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स और वाई जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी ये वास्तविक संख्याओं से संबंधित है आपका। तो कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई इसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करें तो आप देखेंगे इसको आप लिखेंगे सर कोस एक्स माइनस कोस वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं कोस सी माइनस कोस डी, और उस केस में आपके पास आपने देखा था कि इसमें आपके पास टू वे फॉर्मूला था, एक में आपका माइनस पहले आने वाला था। तो जब आपके पास यहाँ पे माइनस आता है तो आप फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं माइनस टू साइन कोस एक्स माइनस कोस वाई, साइन आएगा तो साइन माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू जीरो, ये सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिखा था। तो इसके बाद देखिए माइनस तो जीरो होगा नहीं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पार्ट अगर आपका जीरो होगा या फिर आइदर ये पार्ट जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अगर आपके पास साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू अगर जीरो है, सेकंड या साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू आपके पास जीरो है, ये पार्ट जीरो है तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या और क्या रहेगा यानी व्यापक मान क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू एन पाई, ये हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसको अगर हम सॉल्व करें तो उस केस में एंगल यानी जो एक्स प्लस वाई अपॉन टू जो एंगल होगा वो एन पाई होगा आपके पास। तो यहाँ से अगर एक्स हम फाइंड करें तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास टू एन पाई और एक्स इक्वल टू बन जाएगा टू एन पाई माइनस वाई, ये हमारे पास सॉल्यूशन बना सिंपल। आप इसको भी अगर अपन सॉल्व करें तो ये बन जाएगा सर एक्स माइनस वाई अपॉन टू जो है अगेन वो भी आपके पास क्या रहेगा एन पाई। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू बन जाएगा टू एन पाई और x इक्वल टू बनेगा टू एन पाई प्लस वाई। तो सिंपल आपने देखा कि इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, एक x इक्वल टू है टू एन पाई माइनस वाई, एक है x इक्वल टू टू एन पाई प्लस वाई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइंड करें तो आप देखेंगे इसका जो जनरल सॉल्यूशन है व्यापक मान होगा, इसका जो व्यापक मान होगा वो होगा टू एन पाई प्लस माइनस वाई। तो ये इसका व्यापक मान होगा कौन से केस में, जब आपके पास कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई होगा तो उस केस में आप देख सकते हैं कि आपका जो व्यापक मान यानी टू एन पाई दोनों में कॉमन है प्लस माइनस जो आ रहा है वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया। तो देखिए इसमें भी टू एन है आपके पास, इसमें भी टू एन है, तो वैल्यू यहाँ पे जो एन है एन क्या होगा फिर एन आपका इंटीजर होगा, एन जो होगा आपका पूर्णांक होगा। तो एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई ये आपका जनरल सॉल्यूशन या व्यापक मान होगा कौन से केस में, जब कोस एक्स इक्वल टू आपके पास कोस वाई होगा। इसके बाद देखिए
जो सेकेंड इक्वेशन इसमें बनेगी कि टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, उस केस में हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन या व्यापक मान क्या रहेगा, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो थर्ड जो केस बनेगा आपका कि सपोज दैट कि सर टेन एक्स इक्वल्स टू, अगर टेन वाई है आपके पास, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू जीरो। टेन एक्स को अगर आप सिंपलीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस ये बन जाएगा आपके पास साइन वाई अपॉन कॉस वाई। यहाँ से देखें तो जो एलसीएम आपका पार्ट, एलसीएम पार्ट है वो बनता है कॉस एक्स कॉस वाई, तो इसको सोल्व किया आपने तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ये पार्ट तो जीरो होगा नहीं, तो जीरो कौन सा पार्ट होगा, जीरो पार्ट होगा आपके पास साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये आपके पास फॉर्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसको आप लिखेंगे साइन एक्स माइनस वाई, ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगेन देखेंगे साइन जो है वो जीरो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू होगा आपके पास एन पाई, तो एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा एन पाई प्लस वाई। और अगेन यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एन जो है वो आपका इंटीजर है यानी पूर्णांक है, पूर्णांक रहेगा। तो टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई के केस में आपके पास आपका जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक मान आपके पास क्या रहेगा, एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई रहेगा। देखिए आपने यहाँ पे जो दो चीज़ें डिस्कस की हैं, हम बार बार देख रहे हैं कि आपने जो वैल्यू लेनी है आपको, आप तो या तो प्रिंसिपल यानी जिसको हम मुख्य मान कहते हैं, या जनरल सॉल्यूशन जिसको हम व्यापक मान कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, मुख्य मान पूछा जा रहा है या व्यापक मान पूछा जा रहा है। व्यापक मान जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो एन में होगा, आप देख सकते हैं कि उसको जनरलाइज कर दिया जाएगा, उसकी सारी वैल्यूज के लिए होगा। मुख्य मान जो है वो हमने कल डिस्कस किया था, वो जीरो टू टू पाई के इंटरवल के बीच में उस पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे, हम थ्री इक्वेशन हमने पहले डिस्कस की थी, थ्री आपने यहाँ पे डिस्कस किया, तो टोटल सिक्स इक्वेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो इनको एक बार वापस मैं सबको रिकॉल कर देता हूँ, तो यहाँ से हम इनका रिकॉल करें तो देखिए केस क्या क्या केस बने हैं अपने पास। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन, यहाँ पे मैं इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूँ, इक्वेशन यानी ये है आपके पास समीकरण, और इधर हम उसका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक मान वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने देखा कि सर अगर मेरे पास साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स इक्वल टू बन जाएगा मेरे पास एन पाई, और एन सममित जो होगा ना वो इंटीजर होगा यानी पूर्णांक है आपके पास, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। साइन एक्स बराबर जीरो तो एक्स बराबर एन पाई, कोस एक्स बराबर जीरो तो एक्स बराबर हो जाएगा टू एन प्लस वन पाई बाई टू, टेन एक्स इक्वल्स टू जीरो तो एक्स इक्वल्स टू अगेन एन पाई, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन वाई, कोस एक्स इक्वल्स टू कोस वाई उस केस में जनरल सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई। इसके बाद टेन एक्स, टेन एक्स इक्वल्स टू टेन वाई तो उस केस में आपने देखा कि एक्स इक्वल टू बनेगा एन पाई प्लस वाई। तो ये टोटल सिक्स सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद देखिए स्क्वायर्स में भी हमारे पास, जैसे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई अगर फॉर्मेट बनता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम अपने नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, तो 3.4 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो 3.4 हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले। हाँ ओके, तो एक्सरसाइज जो है आपके पास, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हमें फाइंड करना है। तो देखिए प्रिंसिपल मतलब आप अपने पहले डिस्कस किया है, प्रिंसिपल यानी मुख्य मान और जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक मान, ये हमें फाइंड करना है। तो हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं कि हमें यहाँ से प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल यानी मुख्य मान, जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक मान, इन इक्वेशंस के फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
10x इक्वल टू रूट थ्री। देखिए आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी बिंदास तरीके से। सबसे पहले देखिए कि 10x इक्वल टू रूट थ्री है, तो यहाँ पे x की किस वैल्यू के लिए रूट थ्री वैल्यू, यहाँ पे ये जो वैल्यू है तो x इक्वल टू रूट थ्री जो है वो x इक्वल टू पाई बाई सिक्स है आपके पास। अगर हम बात करें मुख्य मान की, मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम फाइंड करें, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल वो वैल्यूज हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में हम कंसिडर करने वाले हैं, यानी जो इंटरवल होगा वो 0 टू 2 पाई होगा हमारे पास। तो उस इंटरवल में अगर हम बात करें तो पहली वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू पाई बाई 6 पे, यानी x की इस वैल्यू पे, तो ये सॉल्यूशन हो गया आपके पास। देखो हमने देखा था ना कि ये आपका वो अननोन एंगल है, अज्ञात कोण है, तो अननोन एंगल इसका सॉल्यूशन है और यही हमें देखना है, इसका सॉल्यूशन रूट जीरो जो भी आप इसको समझो। तो यहाँ पे इसके प्रिंसिपल वैल्यू तो आपके पास क्या है, x इक्वल टू पाई बाई सिक्स है। सेकेंड वैल्यू क्या होगी, तो 0 से 2 पाई में क्या कोई ऐसी वैल्यू भी है मेरे पास जिसकी वैल्यू भी रूट थ्री हो? तो आप डिस्कस कर सकते हैं, देखिए 10x रूट थ्री यानी पॉजिटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 10x पॉजिटिव अगेन कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास रूट थ्री होगा। तो इसको अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए मेरे पास क्या बनेगा, पाई प्लस पाई बाई सिक्स बन जाएगा आपके पास सिंपली। तो आप देख सकते हैं कि देखिए भाई सिंपल, अगर देखो इसको, अगर इसी को अगर अपन लिखें तो 10x इक्वल्स टू है 10 पाई बाई सिक्स, ये हमने लिखा। अब इसको हमें थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, तो हमने लिखा 10x इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया आपके पास। और देखिए 10 पाई बाई सिक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस आप अपन लिख सकते हैं इसमें कि पाई है तो नो चेंज, 10 पाई बाई सिक्स आ गया। पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, 10 क्या रहेगा आपका, सेम वही सेम एंगल रहेगा। तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू इस केस में क्या बन जाएगा, पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो x इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो 6 पाई एंड 7, तो ये बन जाएगा 7 पाई बाई सिक्स। तो इस केस में इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आने वाली है, x इक्वल टू पाई बाई सिक्स एंड 7 पाई अपॉन 6। ये दो आप देख सकते हैं इसके मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू है। इस केस में अगर आप फाइंड करना चाहें इसका जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा कि जो फर्स्ट इसकी वैल्यू है यानी ये वैल्यू, इस पे आप फाइंड करेंगे कि 10x इक्वल टू जो 10 पाई बाई 6 है, इसका आप कंपेयर करेंगे किससे, 10x इक्वल्स टू 10y। तो उस केस में अगर आप देखें तो इसका जनरल सॉल्यूशन व्यापक मान क्या था, x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 6, ये आपका इसमें व्यापक मान रहेगा। तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व किया है वो आपके सामने है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया, तो इसके बाद देखिए क्या रहेगा अपने पास। हाँ ओके, तो ये बन गया 10x इक्वल टू रूट थ्री। ओके अच्छा रूट थ्री है तो पाई बाई सिक्स, देखिए थोड़ा सा आपने इसमें चेंज कर दिया, पाई बाई सिक्स क्या कहेगा, पाई बाई सिक्स तो 30 डिग्री एंगल है, 10x रूट थ्री 60 डिग्री को डिनोट करेगा, तो ये पाई बाई थ्री है आपके पास। ओहो पाई बाई थ्री, तो ये एंगल बनेगा पाई बाई थ्री, यहाँ पे भी पाई बाई थ्री बनेगा, पाई बाई थ्री, ये भी पाई बाई थ्री है, थ्री फोर, ये फोर फोर पाई बाई थ्री बनेगा आपके पास, तो एंगल बनेगा पाई बाई थ्री, ओहो फोर पाई बाई थ्री, और यहाँ पे भी पाई बाई थ्री, तो ये बनेगा आपके पास पाई बाई थ्री। देखिए 10x इक्वल टू रूट थ्री, तो 1060 की वैल्यू होती है, और 1060 को अगर रेडियन में हम कंसिडर करेंगे तो वो पाई अपॉन थ्री होता है, पाई अपॉन सिक्स तो 30 डिग्री है, सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी एक वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड किया। अब नेक्स्ट वैल्यू हम कंसीडर करते हैं sec x इक्वल टू टू, तो sec x इक्वल टू टू को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे ही सर हमें sec x इक्वल टू टू की वैल्यूज को भी फाइंड करना है। तो आपके पास जो वैल्यू है वो है sec x इक्वल्स टू टू, तो इस केस में हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सब फाइंड करने वाले हैं। तो देखेंगे किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ से देखेंगे sec x इक्वल टू टू है आपके पास, तो sec x इक्वल टू टू, तो sec x की हमें सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि sec x में टू जो है वो किसका मान है, तो आप देख सकते हैं कि 1/2 का ऑपोजिट है, तो 1/2 आपका 60 डिग्री का होता है, पाई बाई थ्री अगेन, यानी cos 60 का रेसिप्रोकल sec 60, तो sec 2। तो यहाँ से आपने देखा कि सर ये जो वैल्यू है आपके पास sec x यानी जो 2 है वो आपका sec पाई बाई थ्री है, तो x की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या बन गई,
पाई बाई थ्री बन गया, तो सेक एक्स आपके पास ये बन गया। इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो इसी केस में ही हम इसको डायरेक्ट लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू तो ये है, 0 से 2 पाई में अगर कंसिडर करें तो सेक एक्स, तो सेक पाई बाई थ्री को सेम हम इस तरीके से किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। सेक जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आप इसको लिखेंगे सेक 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री। इस केस में भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री जो है तो 2 पाई भी चेंज होगा नहीं, चेंज नहीं होगा, तो इसको हम यही लिख सकते हैं सेम। आप देख सकते हैं भाई सेक पाई बाई थ्री को हम ये भी लिख सकते हैं, सेक 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, माइनस पाई बाई फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। तो एक्स इक्वल टू जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो इस केस में देखें एलसीएम 3 टू 6 पाई माइनस पाई, तो एक्स इक्वल टू बन जाएगा 5 पाई बाई थ्री। तो आपके पास जो यहाँ से सॉल्यूशन अगर अपन देखें तो एक्स के 2 सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई थ्री है आपके पास एंड 5 पाई बाई थ्री है। इसके साथ हम क्या फाइंड करने वाले हैं, इसका फाइंड करने वाले हैं हम जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए देखिए, जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर हम डिस्कस करें तो सर ये तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान हमने डिस्कस कर लिया, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालें इसका सेक एक्स इक्वल टू टू का, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हम इसको कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जनरल अगर हम देखें तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, तीन की वैल्यू हमारे पास है, तीन की जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास, और उसी बेस पे हम रिमेनिंग के फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसको रेसिप्रोकल किया तो आपने देखा सर 1 अपॉन cos x और ये हो गया 1 अपॉन 2 sec x। वे sec x की वैल्यू जो है मेरे पास क्या है 2 है, तो sec x की वैल्यू जो है आपके पास 2 है, तो उस केस में अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, तो cos x की वैल्यू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो cos x, तो sec x जो है वो 2 है, तो आपने देखा जो cos x होगा वो आपका होगा 1/2 ही, आप देख सकते हैं सिंपल है। आप यहाँ से देखें तो sec x जो है आपका 2 है, तो cos x की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/2, सिंपल है आपका। अब cos x 1/2 है तो इसको वैल्यू को कंसिडर करें तो ये फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो cos x इक्वल टू 1/2 किस में होगा, अगेन 60 में होगा, तो ये बन जाएगा cos पाई बाई थ्री। अब इसका अगर हम कंपेयर करें cos x इक्वल टू cos y से, तो आप देखेंगे जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस पाई बाई थ्री, ये बन जाएगा पाई बाई थ्री। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक मान। तो व्यापक मान किस तरीके से आपने फाइंड किया, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपने किस तरीके से फाइंड किया, ये इक्वेशंस, ये प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इसकी रिमेनिंग जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद जो इक्वेशंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इसके रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपका रहेगा cot x इक्वल टू माइनस रूट थ्री है और cosec x इक्वल टू माइनस टू है, इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनमें माइनस है तो एक प्रॉब्लम हम और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, तो सिंपली इस प्रॉब्लम को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो माइनस वाला पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करना है वो इक्वेशंस हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास वो है cot x इक्वल टू माइनस रूट थ्री। तो थर्ड जो प्रॉब्लम है आपकी वो है cot x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए cot x इक्वल टू माइनस रूट थ्री, cot x हमारे पास नेगेटिव कहाँ पे है सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है। तो cot x जो नेगेटिव होगा वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, नहीं सेकेंड में होगा और फोर्थ में होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा। तो इसी केस में अगर इसको सेट करें तो देखिए क्या बनेगा, cot x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, कोट में रूट थ्री जो वैल्यू है वो किसकी रहेगी, 30 डिग्री की रहेगी, क्योंकि टेन 60, तो कोट रूट थ्री जो है, कोट में रूट थ्री जो है वो आपकी वैल्यू किसकी रहेगी, cot x इक्वल टू है आपके पास माइनस का रूट थ्री। तो इस केस में देखें तो ये किसकी वैल्यू हमने अपने पास रहने वाली है, तो tan 30 का ऑपोजिट है cot 30, तो ये 30 डिग्री है, तो माइनस 30 डिग्री यानी पाई बाई सिक्स, तो ये बन गया माइनस cot पाई बाई सिक्स, ये अपने पास बना। इसके बाद देखिए नेगेटिव जो पार्ट है आपका इसको हमें कंसिडर करना है, तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो फर्स्ट नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसको हम लिखेंगे cot x इक्वल्स टू cot, ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ये अपने पास बना।
अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट सेम है आपका। देखिए मेरे को ये एंगल मेरे को कंसिडर करना है कि ये जो मेरी वैल्यू है वो फर्स्ट टाइम कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आपने देखा कि कोट एक्स इक्वल टू माइनस कोट पाई बाई सिक्स है और कोट जो है वो नेगेटिव वैल्यू मेरे को या तो सेकंड क्वाड्रेंट में देगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोट पाई माइनस पाई बाई सिक्स। देखिए कोट पाई है तो कोट सेम रहेगा, पाई बाई सिक्स एंगल आ गया आपका, और पाई माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो आपके पास ये एंगल बना। तो फर्स्ट जो वैल्यू आपकी बनी तो एक्स इक्वल टू वो बना पाई माइनस पाई बाई सिक्स, एलसीएम लिया आपने सिक्स तो सिक्स पाई माइनस पाई तो ये बनेगा फाइव पाई बाई सिक्स। तो फर्स्ट जो आपकी मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा वो फाइव पाई बाई सिक्स बना। तो ये फर्स्ट वैल्यू है आपके पास। अगर सेकेंड वैल्यू को कंसिडर करें तो सेकेंड वैल्यू में आप देखेंगे कि अगेन अगर यहीं से अगर अपन सेट करें कि कोट एक्स इक्वल टू जो है माइनस कोट पाई बाई सिक्स, कोट को मेरे को नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो कोट एक्स इक्वल्स टू, मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाता हूँ तो मैंने लिखा टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स। अब सिंपल देख सकते ये दोनों वैल्यू जो है वो आपकी सेम है, कोट टू पाई माइनस थीटा इसका मतलब माइनस कोट थीटा। तो उस केस में अगर अपन देखें तो इकोट जो एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास, एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स। इसको सॉल्व करेंगे अपन सिक्स टू ट्वेल्व, ट्वेल्व पाई माइनस पाई ये बन जाएगा इलेवन पाई बाई सिक्स एक्स की वैल्यू। तो एक्स की दो वैल्यू मेरे पास कंसिडर होती है प्रिंसिपल वैल्यू, एक है फाइव पाई बाई सिक्स, सेकेंड है इलेवन पाई बाई सिक्स। तो आपको सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना अच्छे से आ गया होगा कि प्रिंसिपल यानी मुख्य मान हम 0 से 2 पाई के इंटरवल में कंसिडर करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी पर्टिकुलर त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है और जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या कौन से नेगेटिव है, उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किया है। अब हमें फाइंड करना है कोट एक्स, कोट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन टेन एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री। टेन एक्स कंसिडर करें तो टेन एक्स इक्वल टू बन जाएगा माइनस वन बाई रूट थ्री, ये हमारे पास बना। तो यहाँ से ये वैल्यू अगर अपन देखें तो टेन एक्स जो है आपके पास, तो टेन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या बनती है, तो वन बाई रूट थ्री जो है वैल्यू है वो किसकी है आपके पास, माइनस टेन थर्टी वैल्यू है यानी पाई बाई सिक्स है अगेन। अब माइनस है आपके पास तो अगेन सबसे पहले मेरे को इसको कंसिडर करना है कि ये माइनस किस में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं इसको लेके जाऊं तो ये बन जाएगा टेन एक्स इक्वल्स टू टेन पाई माइनस पाई बाय सिक्स, ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू होगी। तो ये जो वैल्यू मेरे पास बनी तो टेन एक्स इक्वल्स टू ये वैल्यू सेम है तो इसको मैंने सोल्व किया तो ये बन गया टेन फाइव पाई बाय सिक्स, ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू बन गई। तो टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई के फॉर्म में मैंने इसको कंसिडर किया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस फाइव पाई बाय सिक्स, क्योंकि टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई में, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई में जो मेरा मुख्य मान जनरल मान व्यापक मान जो होगा वो क्या होगा, एन पाई प्लस वाई, तो एन पाई प्लस पाई बाय सिक्स। तो इसी के साथ हमने ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। एक प्रॉब्लम मैंने आपके लिए रखी है उसको आप डिस्कस कीजिए, इसके बाद देखिए कि आपका जो मेन टॉपिक था आज आपने क्या डिस्कस किया, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण क्या हैं, उनके जनरल सॉल्यूशन क्या हैं, उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, मुख्य मान और उनके व्यापक मान किस तरीके से फाइंड करते हैं वो यहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में हम जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, त्रिकोणमितीय समीकरण है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।